हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबका हमारे MKR किचन में। आज MKR किचन में हम बनाने जा रहे हैं माछो बेसरो। इसे ओडिया में माछो बेसरो कहते हैं और ये सरसों का जो मसाला है उसमें हम बनाएंगे। तो चलिए हम शुरू करते हैं किस तरह बनाएंगे। तो हमने यहाँ पर लिया है रुई माछ और ये हमने लिया है 800 ग्राम। तो इसे हमने अच्छी तरह धोकर साफ़ कर लिया है। अब हम इसमें हल्दी पाउडर डाल के इसे मैरिनेशन करेंगे। नमक भी डालेंगे स्वाद के अनुसार। चिल्ली पाउडर डालेंगे। अब इसे अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। अच्छी तरह से मिलाकर इसे अब हम ढक कर 15 मिनट के लिए रख देंगे। हम लेंगे धनिया, गोल मिर्च लेंगे 1 चम्मच, और ये पीली वाली सरसों है और ये काली वाली सरसों है, और जीरा लेंगे 1 चम्मच। ये पोस्तो या खसखस भी बोल सकते हैं, इसे भी हम लेंगे, और लहसुन की कलियाँ, और अदरक हमने ली है 1 इंच। सारी चीज़ों को हमें स्मूथ पेस्ट बनाना है तो हमने बना लिया। और यहाँ पर हम टमाटर भी लेंगे, 3 बड़े साइज का टमाटर को हम प्यूरी बना लिए हैं। अब हमारा कढ़ाई गरम हो चुका है, हम डालेंगे मस्टर्ड ऑयल। अब हम सारी मछलियों को फ्राई कर लेंगे। हमारा मछली फ्राई हो चुका है, इसी तरह हम सारे मछलियों को फ्राई कर लेंगे। तो हमने सारी मछलियों को फ्राई कर लिया। अब यहाँ पर हम डालेंगे पंचफोड़न, जो 5 मसालों को लेकर इसे हम पंचफोड़न कहते हैं। और हम इसमें सूखी लाल मिर्च भी डालेंगे, हरी मिर्च भी डालेंगे, करी पत्ता भी डालेंगे, और जो मसाला हमने तैयार किया है वो हमें जितनी ज़रूरत है उतनी हम डालेंगे। भून लेंगे अच्छी तरह से। मसालों को हमें तेल रिलीज होने तक भूनना है अच्छी तरह। अब हम हल्दी पाउडर डालेंगे 1/2 चम्मच। चिल्ली पाउडर डालेंगे स्वाद के अनुसार। जो टमाटर हमने प्यूरी करके रखा था उसे भी हम ऐड कर देंगे। भूनेंगे अच्छी तरह से। नमक डालेंगे स्वाद के अनुसार। और ये हमने थोड़ी सी इमली को भिगो कर रखी है। तो हमारा मसाला भून चुका है अच्छी तरह से, देख रहे हैं आप, तेल रिलीज हो चुका है। जो हमने इमली को छान के रखा था वो हम डाल देंगे। थोड़ी देर चलाएंगे। इस तरह से आप मछली अगर बना देंगे ना तो आप बार बार इसी तरह बनाएंगे, बहुत ही टेस्टी होता है दोस्तों। ज़रूर से ट्राई कीजिएगा, आपको पसंद आने वाली है, मज़ेदार रेसिपी है, तो आप ज़रूर से बनाइए। अब हम पानी डालेंगे जितनी ज़रूरत लगेगी उतनी। पानी में उबाल आने देते हैं। थोड़ा 1 चम्मच गरम मसाला भी हम डालेंगे। अब हम ढक देंगे। उबाल आ चुका है। अब हम जो फिश को फ्राई करके रखे थे वो हम ग्रेवी में डाल देंगे। धनिया पत्ता डालेंगे। हमारा फिश करी तैयार हो चुका है। तो आपको ये रेसिपी पसंद आया हो तो हमारे वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करना मत भूलिए। और कैसे
आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर से बताइए। तो हम मिलेंगे एक नई रेसिपी के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।